बनाने को लगने वाले जो कच्चे भी रास्ते हैं, जितने भी रास्ते हैं, सभी पर फोर्स तैनात की गई है। और जो खानौरी की घटना थी, उस घटना के बाद जो सभी दोनों बड़े फॉर्मों ने KMM किसान मजदूर मोर्चा, SKM गैर राजनीतिक ने, सबों ने निर्णय लिया था कि हम पूरी जो घटना है उसकी समीक्षा करेंगे और तब आगे के बारे में सोचेंगे। तो अब जब हम खनौरी गए हैं, जिस तरह से वहाँ तोड़फोड़ की गई है, जिस तरह से लूटपाट की गई है, अब जो हरियाणा के DGP या पुलिस अधिकारी या केंद्र बता रहा है कि हमारी तो गोली चली नहीं, तो भाई ये बिल्कुल निरादोष बातें हैं। वहाँ गोली चली है, उनकी वीडियो है, युवक की मौत हुई है और ये सैनिक और पुलिस की बुलेट से मौत हुई है। बिल्कुल ये हमारा सही दावा, हमारे पास सभी के सबूत है। हमने देश के सामने वीडियो रखी क्योंकि सोशल मीडिया पे पाबंदी लगने के कारण वो वायरल नहीं हो पा रही है, और जो भी वहाँ तोड़फोड़ की है सबका सबूत है। तो कल जो आ रहा था जैसे मीडिया में भी, उनको नहीं, लगभग 100 से अधिक खनौरी में इंजर्ड हुए हैं और इधर दूसरे बॉर्डर पर 13 इंजर्ड थे। तो बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट था। और इसी के साथ साथ अब जो आगे की समीक्षा है वो लगातार हम कर रहे हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का बयान हम मीडिया पर देख रहे हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि केंद्र के किसी जिम्मेवार मंत्री को ऐसा बोलना चाहिए। वो बोल रहे हैं आगजनी, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो किन्होंने की भाई, कुछ सबूत तो देश की पटल पर रखे। इधर तो आप उधर से शेलिंग कर रहे हैं, आपकी फोर्स ने कल मान लिया भी हम रबर बुलेट चला रहे हैं, शेलिंग तो पूरी दुनिया देख रही। तो अगर रबर्ट बुलेट आपकी पुलिस ने माना तो ये भी मान लेंगे कि हमने मेन गोली जो बुलेट है, असली बुलेट है, वो भी चलाई है। तो ऐसा है, आप अपनी बात को क्यों छुपाते हैं पूरी दुनिया से। और दूसरी बात, भारत सरकार ने एक्स सोशल मीडिया को निर्देश दिए हैं कि जितने भी एक्स के ऊपर किसानों की जो भी पोस्ट डलती है उसे देश भर में डिलीट कर दें। बेशक एक्स ने इंटरनेशनल लेवल पर इसको डिलीट करने से इनकार दिया, लेकिन देश भर में जितने एक्स मीन्स ट्वीट, जो एक्स ट्वीट है, उन्होंने कहा अब देश भर में हमारी कोई भी वीडियो, कोई भी अपनी बात नहीं जाएंगी। तो हम केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से इसका जवाब चाहेंगे कि भाई हम क्या ऐसा बोल रहे हैं जिसपे देश को आपत्ति है, देश सुनना नहीं चाहता। तो दुख की बात है कि हमारी आवाज, जो कुछ आप यहाँ दोनों बॉर्डरों पर कर रहे हैं, जो कुछ हरियाणा में फोर्सेस कर रही है, वो देश ना देखे, इसलिए जो एक्स ट्वीट है उसके ऊपर आपने पाबंदी लगा दी है। गैर मानवीय है ये, किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात है, जहां तक मैं बोल रहा हूं, वार्ता बोल रहे हैं, वार्ता होनी चाहिए। ये मीडिया में एक तरफा बयान केंद्र के पेश किए जा रहे हैं। हम बोलते हैं, हम तो भाई पर्दे के पीछे पंजाब के अधिकारी आते हैं, वार्ता की बात करते हैं। हमने तो एक ही रिक्वेस्ट की माननीय प्रधानमंत्री से भी, आप एक बयान तो दें कि हम MSP गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार है, बनाएंगे, आगे गतिरोध टूट जाएगा, उस पर भी केंद्र नहीं मान रही। हमने भारत सरकार के मंत्री को बोल दिया कि आप किसी तरह का बयान दे भी MSP गारंटी कानून बनाने के हल के लिए और अन्य मांग की वार्ता के लिए मीटिंग करेंगे, एजेंडा तय करें। एजेंडे का सवाल है, तो केंद्र एजेंडा भी तय नहीं करना चाहती। तो और मीडिया में ये भ्रमित कर रही मीडिया को कि शायद किसान लीडर वार्ता नहीं करना चाहते। हमने जब ये घटना घटी तो हमने बोला कि ये बहुत दुखित समय है, इस समय वार्ता नहीं चल सकती, या असामान्य परिस्थिति को आप बहाल कीजिए। हम कहते हैं आप सारा इंटरनेट खोल दीजिए, रास्ते खोल दीजिए, सामान्य व्यवस्था बहाल कीजिए, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं। हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं, ये हमसे देश चलता है, और आप इससे पीछे हटिए। लेकिन केंद्र बाधित है,
कि हम आपको जमहूरी ढंग से, पीसफुली ढंग से रोज प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं देंगे, जो हम सामने आ रहा। जो अभी कल शुभकरण सिंह की जो मौत हुई थी, उसके बाद पंजाब सरकार से वार्ता जो शुरू हुई थी, उस वार्ता में जो भी अधिकारी भेजे गए थे, दुखद बात है, जब भरोसा आप देते हैं, भरोसे पे क्यों नहीं खड़े उतरते? या तो अधिकारियों में कोई कमी हो सकती है, या कहाँ कमी है ये तो वो जान सकते हैं। जब हमारी सारी बातें पटल पर मान ली गई कि हम उनके ऊपर 302 का पर्चा करेंगे जिन्होंने कल हमला किया, हम आपको पंजाब सरकार शुभकरण सिंह को शहीदी का दर्जा देगी ये भी मान लिया गया, कंपनसेशन की बात परिवार से उनकी हो गई, हमने सीधा कर दिया। उसके बाद और जो पोस्टमार्टम है उसके लिए बोर्ड बैठेगा, ये बात भी हो गई। आप वीडियोग्राफी हम करेंगे, ये बात भी हो गई। जब सब बातों के ऊपर सहमति बन गई, आपने कहा ठीक है, ये कल 4 बजे सहमति बनी है, आज चार, अभी 12-14 घंटे, 14.5 घंटे हो गए, पंजाब सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है।